नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 4 जनवरी 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कहीं ना कहीं सौभाग्यदायक हो सकता है। कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव रंग लेती हुई या श्रृंखला एक आपके जीवन में नई शुरुआत हो सकती है किसी एक परिस्थिति की, जो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव इवेंट्स को लाइनअप करके जाए। कुछ ना कुछ नई परिस्थिति, नई अवस्था, नई सिचुएशन पॉजिटिव विचारधारा के साथ आज के दिन की शुरुआत होगी। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के दायरे में आएंगे या फिर कहीं ना कहीं से आर्थिक उन्नति के आपको रास्ते ओपन होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आप जिस पथ पर चल रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं अपने लिए और आत्मबल में वृद्धि करनी चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा आज के दिन काम करना चाहिए, जिससे कि आपके जो लंबित प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले ना हो। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज का दिन वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है, इसलिए खान पान में विशेष आपको कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी सलाह मशवरा की ज़रूरत है डॉक्टर की, तो आपको आज के दिन ले लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में आ रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पर आज के दिन। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप कहीं ना कहीं आर्थिक विस्तार को ध्यान में रखकर कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपकी परिस्थिति को और बेहतर करके जाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से चल रही कोई बीमारी, आपको आज के दिन अगर आप सही समय पर उसका परामर्श ले लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई आपको उससे नज़र आ जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं अपने संतुलन बनाने पर व्यतीत करना चाहिए। अब ये संतुलन कार्यक्षेत्र में हो, आपके पारिवारिक स्थिरता को हो, सब तरफ से अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस भी बनाने की कोशिश करते हैं तो आज के दिन आप बना पाएंगे। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहे आपके जीवन में कोई तनाव से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी परिस्थितियाँ आगे बढ़ रही हैं, मात्र 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके पारिवारिक तनाव में अगर कोई ना कोई आपको लगता है कि पिछले 1 महीने में वृद्धि हुई है, तो अब कहीं ना कहीं वो सेटल होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर आपकी परिस्थिति इमोशनली सेटल्ड आप अपने आप को फील करेंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं विचारों को प्रबल करने का मान के चलना चाहिए। परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही हैं, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल कर पा रहे हैं, आत्मबल में वृद्धि हो रही है। कुछ अध्ययन या शिक्षा से संबंधित काम कर सकते हैं। अगर आप कार्यक्षेत्र में कार्यरत हैं तो कुछ ना कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस का भी टाइम आ गया है, क्योंकि अब वो नीड ऑफ द आवर हो गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपने काम में मजबूती के साथ अपनी पकड़ आगे बनानी है तो अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आज का दिन आपके लिए बहुमूल्य साबित हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएंगी, पारिवारिक स्थिरता बनेगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन कहीं ना कहीं आपको निवेश संबंधित चिंताएं सता सकती हैं। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड अवस्था में भी देखे जा सकते हैं। और अगर आप लिखा पढ़त कर रहे हैं तो आपको सारे लीगल टर्म्स को पहले रिव्यू करना चाहिए और फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जल्दबाजी फाइनेंशियल मैटर्स में या लीगल टर्म्स में ना करें, सोच के समझ के चीज़ों को अग्रसर लेकर चलें। साथ ही साथ अगर मैं एक चीज़ का और आपको ध्यान दिला दूँ, अगर पारिवारिक स्थिरता आपकी कहीं ना कहीं बिखर रही है तो परिवार की तरफ अब आपके उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं आपको कोई ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे। इसी श्रृंखला में कहीं ना कहीं आपके लिए निवास चेंज करना, नया घर लेना भी कहीं ना कहीं एक परिस्थिति उभर कर आ सकती है, उस पर आपको विचार करना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। जल्दबाजी कन्या राशि वालों आज के दिन ना करें, खास तौर पे अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं। कोई आपका लंबे समय से आप वेट कर रहे थे कोई इंटरव्यू, अब वो शेड्यूल हो रहा है, उसमें अगर आप सैलरी नेगोशिएट करने की सोच रहे हैं तो सोच के समझ के अपनी वर्थ को समझ कर आगे नेगोशिएट करें। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला आपको कहीं ना कहीं बाद में आप पछतावा आपको देखने को मिल सकता है और आप कहीं ना कहीं परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत आपको है। साथ ही साथ आज के दिन एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन पॉजिटिव हो रही है और किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से उनके द्वारा दी गई नेगेटिविटी से आपका चलता चलाया काम अगर रुक रहा है, तो आपको आज के दिन उस व्यक्ति विशेष से बात करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अवॉइड करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आगे लेकर आइए, जिससे कि आप अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकें।
बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। नया कामकाज जो आपने शुरू किया है तुला राशि वालों, वो आपके लिए स्थिरता ले आएगा। कामकाज में परिस्थितियां बेहतरीन तरीके से आगे आती हुई नजर आएंगी। लंबे समय से चल रही कोई बीमारी भी ठीक होगी। कुल मिला के नया साल आपके लिए खुशखबरियां लेकर आएगा, स्थिरता लेकर आएगा। कहीं ना कहीं इस साल अब आप परिस्थितियों को फेवरेबल होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ आज के दिन यानी कि आज से दो चार दिन के अंदर अंदर कुछ नया इंट्रोस्पेक्टिव व्यू भी आपका डेवलप होगा। स्थिरता के साथ चीजें बढ़ते हुए आगे देखेंगे और आपकी परिस्थितियां अग्रसर आपको करेंगी पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने के लिए। साथ ही साथ आज के दिन मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज का भी आपको एक आइडिया आ सकता है। विस्तार, काम को विस्तार के दायरे में लेकर आना, बिजनेस विस्तार के बारे में सोचना आज के दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आज के दिन बढ़ सकती हैं, तो आपको ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ खान पान में आपको ज़रा से भी नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए। नियमित रूप से आपको अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है योग, अध्यात्म, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी अगर आपको ऑल्टरनेटिव मोडालिटी पे आपको विचार करना है तो करिए और उसको अपने जीवन में अपनाइए भी। आज के दिन आपको कहीं ना कहीं लिक्विड डाइट का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपको फूड पॉइजनिंग जैसी या डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत हुई है या हो सकती है तो उस पर आज के दिन आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपके द्वारा किया हुआ कोई निवेश आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स देकर जा सकता है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, परिस्थितियां पॉजिटिव तरीके से ढलना शुरू हो गई हैं। आपके लिए शुभ संकेत परिस्थितियों में आना शुरू हो गया है। आपके परिचित आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, रिकग्निशन भी आपको मिल रहा है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो पारिवारिक हो। कुल मिला के सब तरफ से आपने अपनी परिस्थिति अपने फेवर में करके रखी है। साथ ही साथ अब थोड़ी सी चीज़ ये बचती है कि जो आपको ऑन एंड ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रेस होता है उसको आप थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप कुछ ना कुछ अपने लिए रणनीति अपनाएं और उस पर आप फोकस अप्रोच करके आगे बढ़ें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपको तनाव होता है तो उन व्यक्ति विशेष से या तो बात करिए या फिर उनको कंप्लीटली अपने जीवन से डिटैच करिए। कहने का मतलब यह है कि आज के दिन अगर आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर करना चाहते हैं तो आपके हाथ में ही है कि किस तरफ आपको जीवन को लेकर चलना है और आप ठोस निर्णय लीजिए और उस पर आप कायम रखें तो आपकी परिस्थिति बहुमूल्य तरीके से कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी परिस्थिति लेकर आएगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, पारिवारिक स्थिरता आ चुकी है। कहीं ना कहीं जो आपको ऑन एंड ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पारिवारिक सदस्यों में देखने को मिल रहा था वो भी अब स्थिरता की तरफ बढ़ने लगा है। मन आपका शांत है, सुकून आपको है, आत्मिक आपको लेवल पर शांति मिल रही है। कम से कम आपकी सिचुएशंस तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई हैं। साथ ही साथ अब आपको अपने ऊपर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अब आगे कुछ रणनीतियों को अपनाना चाहिए तो आगे बढ़ चलिए। साथ ही साथ आप अपने लिए जितने भी मूल्य बेहतरीन तरीके से आज के दिन स्टेप्स ले लेंगे वो आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा अनुकूल बनाकर जाएंगे। अगर प्रोफेशनल स्थिरता के लिए आपको लगता है कि आपको लिखाई पढ़ाई और करनी चाहिए तो आज के दिन से बेहतरीन दिन कोई नहीं है जहां पर आप निर्णय कर पाएं। अगर आपको लगता है कि आपको अपना लाइन ऑफ वर्क चेंज करना चाहिए तो भी आप आज के दिन डिसीजन ले सकते हैं। कुल मिलाकर जब परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही हैं तो ठोस निर्णय लीजिए जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिरता और बन पाए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज का दिन कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी ट्रैवलिंग करें और चीज़ों को अन्यथा या लाइटली ना लें, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ें। साथ ही साथ अगर आप अभी किसी बीमारी से उठे हैं तो रिलैप्स होने की अवस्था आपके लिए कहीं ना कहीं फिर से हो रही है, इसलिए ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर खान पान पर विशेष ध्यान रख देना है। फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी असावधानी का छोटा सा स्टेप आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी मेजर दिक्कत शुरू कर सकता है, तो वहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपको उन सभी तथ्यों को विचाराधीन करना है जो आपको कहीं ना कहीं सुकून की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एक स्टेप ले सकते हैं, चाहे वो मेडिटेटिव या इस तरह की ऑल्टरनेटिव रेमेडी से ही संबंध रखता हो तो भी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन परिस्थितियों को और ज़्यादा मजबूत या प्रबल बनाने का है। आज का दिन पारिवारिक स्थिरता भी बनते हुए नजर आएंगी। मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, माता पिता की तरफ से आपको कहीं ना कहीं और सपोर्ट मिलता हुआ मिलेगा। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होगा। कुल मिला के आज का समय आपकी परिस्थितियों को रेजुमिनेट करना या कहीं ना कहीं उन पर विचार करने के लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम माना जाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक स्ट्रेस भी आज के दिन कम होता हुआ नजर आएगा। लोग आपके
काम की तारीफ करेंगे, साथ ही साथ आप सभी उन तथ्यों पर काम भी कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पहले प्रॉब्लम देते थे। पेंडिंग काम भी आज के दिन आप सुचारू ढंग से आगे लेकर जाएंगे, नवीन योजनाओं पर काम करते हुए आज के दिन आप देखे जाएंगे, साथ ही साथ ऊर्जावान बनेंगे, आपको कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों में बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होने के आज के दिन पूरे पूरे योग हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।